तो हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो मैं पहले बता देती हूँ कि क्या क्या है, तभी आप लोग पूरा देखेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले कुछ और है, मतलब कुछ दिन पहले की क्लिप्स है, जिसमें कि बच्चों से गपशप है और अच्छा लगेगा आप लोगों को। पोहा हमने बनाया है, बिना कड़ी पत्ता तो यहाँ था नहीं इस बार। और उसके बाद जब हम वहाँ पे गए थे ना न्यू बॉर्न बेबी के वहाँ फंक्शन में, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे गिद्ध की क्लिप्स शूट करी थी। तो कुछ कुछ मैं रोज डाल रही हूँ, तो उनमें से ये 3-4 क्लिप गिद्ध की है। बहुत बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छा डांस है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, और ऐसा बोरिंग वाला तो कुछ होता नहीं है। और देखिए, जिस तरह से हम ब्लॉगिंग करते हैं उस तरह से इतना सा तो बनता ही है कि थोड़ा सा क्लिप को थोड़ा लंबा खींच दें। और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उससे उसके बाद आप लोगों को जो है सबसे पहले माता के 9वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं अभी अभी पूजा करूंगी। मैंने बना दिए चने, बनाया सब कुछ बना दिया है मैंने। तो मैंने बोला सोचा कि पहले मैं वीडियो ऐड कर लूँ, ठीक है, एडिट कर लेती हूँ। तो काफ़ी पहले की क्लिप्स हैं, कुछ मतलब व्रत से भी पहले की होंगी, और कुछ जो है वो बाद की है जब हम पार गए थे। क्योंकि यहाँ पे ना पिछले कुछ दिनों से लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम है, फोन में चार्जिंग। हम सोचते हैं सुबह करेंगे, दिन को करेंगे, ये पता नहीं कब कट लग जाता है। आज भी पूरा दिन के लिए कट है। मैंने सोचा था कि मैं शूट भी करूँगी, पूजा करते वो करूँगी थोड़ा बहुत, और फिर मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। तो शाम के टाइम सोचूंगी, अभी चार्जिंग नहीं, मैंने सोचा घास से आके करूँगी फोन को चार्ज, कहाँ करना, आज बिल्कुल ही कट है लाइट में, ठीक है, लाइट नहीं है। तो कल परसों भी हमने बहुत सारा काम किया, लहसुन के लिए खेत तैयार किया, पहले खाली किया, तो वो कहाँ से सूट कर रहा, जीरो चार्जिंग थी। अब फोन का बहुत ज्यादा काम रहता है, जो दूसरे वाला मेरा फोन है उसमें चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं टिकती। तो ये थोड़ी सी मैंने समस्याएं बता दी, इसलिए मैं पहले वाली वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है ना। के मिले थी जो अपने पास अजय बोला साला काट कौन थे हाँ। दो आंटी बेटे हो तो जी जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? तो अभी आपने सुना हनी क्या पता क्या बोल रहा था, मैं समझाती हूँ आपको अपनी भाषा में। इसको ना सारा घाट में मिले होंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन दीदियाँ मिली थी। तो बोल रहा था मम्मी, मेरे को पूछा, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप मधु ठाकुर के बेटे हो। मतलब हम सबको पहचानते हैं, मेरे पूरे परिवार को, हम जहां मर्जी चले जाए हमारे को, और तो हमारे जोजू को भी सभी पहचानते हैं। जोजू नहीं कट जोजी यहाँ पे जी हनी को खाना नहीं रहा था। सबसे पहले तो हनी आके मेरे को बका, बकने का मतलब पता क्या होता है कि इसने मेरे को डांटा कि क्या है ये, मेरे को खाना नहीं रखा हुआ। तो मैं इसको फटाफट से डर के मारे पोहा बनाने लगी। मैं बहुत डरती हूँ ना मैं अपने बच्चों से, भाई एक बड़े हैं, अब कल को गई मार पीट दे फिर क्या करूंगी मैं ना। चिरता पाओ ना, आटे कम है इसका, आटे तू कट चढ़ जा रहे। तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे आजकल, देखो जीरा डाला मैंने आजकल, हमारे पास कड़ी पत्ता है नहीं, पानी क्या मूंगफली है भुगेगा बंद क्यों की त्या। तो ये साथ में डाल दी मैंने बहुत सारी मूंगफलियां, और पता है मूंगफलियां ना अभी खत्म हो रही है। तो सानू कुछ बनाने लगा था, वो तो बना नहीं, सिर्फ चारे गए इसके पास, इसके आलू थे नहीं, ये मैंने ज्यादा डाल दी भाई है ना, फिर पापा के बनाए थोड़ा जा, रुक एक मिनट डाल दी इसमें प्याज में। अब इसको हम ना कट्ठा ही भून लेंगे सब कुछ, हमने इसमें हल्दी भी डाल दी है और मूंगफली भी मैं इसमें भून लूंगी, प्याज भी जो सब कुछ डाल दिया, नमक भी डाल दिया, अब इसको भून लेते हैं। और यहाँ पे मैंने पोहा धो के रख दिया है, बस मैं पता क्या करती हूँ, पानी डालती हूँ और एकदम से निकाल देती हूँ, तो ना बहुत अच्छा बनता है, खिला खिला सा। शानू ने बनाया एक दिन पोहा ना, पानी एकदम गाढ़ देना हो। शानू कैसा पोहा बना सकता है बताया शानू, इधर देख के हाँ तू बना, शानू ने कैसा पोहा बनाया था, लड्डू ना तो जैसे लड्डू। और भी चला गया वो, तो कुछ अच्छा नहीं बना। ए सुंदरी, ए सुंदरी, इसका नाम सुंदरी है।
हाँ मेरे को गाड़ी के बारे में कुछ समझा रहा था और इसको कार की बड़ी नॉलेज है। तो ये देखो अब मैंने डाल दिया इसमें पोहा और बिल्कुल खिला खिला सा पोहा है। इस तरह से बनाना होता है पोहा। मैं तो नहीं खाऊंगी, ये सभी लोग खाएंगे। पता एक बस एक चीज की कमी रहेगी ना इसमें, मतलब कड़ी पत्ता नहीं है उससे ना। है कड़ी पत्ता, यहाँ छोटी सी डाली है एक पर, वो थोड़ा परे जैसे सूखा नहीं दूसरा दिल बनो। तो ये देखो जी यहाँ पे ये बना हमारा पोहा बढ़िया। ये मैंने अपने लिए ले लिया और इनके लिए भी दे दिया यहाँ पे। हाँ जी कैसे बना है सामने देखो। कितनी प्यारी की लग रही है। मस्त है, कोई बच्चे नहीं तो बड़े बच्चे बेड़े हुए मेरे बेड़े थे बस पैरण है तो पैरण है क्या पानी मस्त। वो उठने की कोशिश कर रही है। अच्छा 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 Thank you.
हम।